और आज वो एक उदाहरण आपके सामने भोपले मैडम के तौर पे और हमारे बीच में सैकड़ों की संख्या में सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा। तसेच माझे दोन शब्द म्हणजे असे आहेत की आता जो हायटेकचा जमाना आहे मोबाईल, तर सर्व महिलांनी त्या फ्रॉड पासून सावध राहायचं आहे। OTP नंबर शेअर करू नका, कोणाचे मेसेज असतील अनोळखी ते वाचू नका, एखादी लिंक असेल ती शेअर करू नका, जेणेकरून आपलं बँक खातंच खाली होईल। त्यामुळे असं आहे की काही महिला तर असे पैसे टाकून ठेवतात की बाबा दिवाळी किंवा दसरा आपण एखादा मस्त दागिना बनवू, पण तो कोणीतरी दुसराच लुटून जातो। दागिना काही आपला बनत नाही किंवा महत्वाच्या कामासाठी ठेवलेले असतात, तर ते परस्पर जातात। महानगर पालिका यानी BMC ने बनाया है, यानी कि नगर सेविका और सांसद जी के प्रयत्नों से बना है, ये मैं आप सबको आज बताना चाहता हूँ। और एक और बात, आज आदरणीय सांसद जी हमारे बीच में है, आने वाले 11 तारीख को दोपहर को 1 बजे आदरणीय सांसद जी के हस्ते जो हमारे कर चुके हैं ऐसे लेफ्टिनेंट कमांडर हरि सिंह दीवाना जी के नाम पे आगे का रोड गुरुद्वारा के सभी साथियों के नॉमिनेशन करने के बाद ये रोड पास हो चुका है, उसका उद्घाटन आदरणीय सांसद जी द्वारा हम 11 हम सब की लोकप्रिय नगर सेविका जयाबेन तिवाना जी, पूर्व नगर सेवक सतनाम तिवाना, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता तेजिंदर तिवाना, मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे सभी बहनें और बड़ी संख्या में मंच के सामने उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज जागतिक महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, खूब शुभकामनाएं। आने वाले दिन आप सबके लिए सुखमय हो, मंगलमय हो, प्रगतिमय हो और बिना किसी संकट के जीवन जीने का अवसर आपको प्राप्त हो, इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। महिला दिवस के मौके पर मलाड पश्चिम भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार कार्य सम्राट नगर सेविका जया तिवाना के नेतृत्व में महिला दिवस संबंधित शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं ने शानदार रैंप वॉक किया, डांस किया, म्यूजिक किए, इसके अलावा प्रश्नावली का जवाब देते हुए हाउजी भी खेले। इस दौरान विजेता सभी महिलाओं को शानदार पारितोषिक इनाम दिया गया और उनके मनोबल को बढ़ाया गया। इस मौके के मुख्य अतिथि रहे सांसद गोपाल शेट्टी ने इस कार्यक्रम को खूब सराहा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जया तिवाना के नेतृत्व में आयोजित यह महिला दिवस का कार्यक्रम शानदार कार्यक्रम, महिलाओं ने खूब यहां लुप्त उठाया। क्या कुछ कहा सांसद जी ने, आइए सुना। जानकारी दी है क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हमारे देश में इन दिनों में आज महिला दिवस के अवसर पर सभी बहनों को मैं शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारे देश में जो बच्चियों का शादी करने का उम्र जो है वो 18 साल है और हम सब लोग देखते हैं कि बच्चियां स्कूल में कॉलेज में पढ़ते समय किसी लड़के के साथ में प्रेम में पड़ जाती है, लव जिहाद इन दिनों में जिस तरह से चल रहा है, और फिर कोर्ट में जाकर शादी कर आते हैं तो घर के माँ बाप एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमने प्रपोजल, मैंने प्राइवेट मेंबर बिल से ये दिया है सरकार को कि माँ बाप के मर्जी से अगर शादी होता है तो जो 18 साल है वही रखिए, अगर माँ बाप के मर्जी के बगैर होता है तो इसको आप 21 साल हमको करना चाहिए, ताकि माँ बाप के मर्जी के बगैर अगर शादी होता है तो 3 साल में जो लड़की प्रेम में पड़ी है उसको पीछे आने का मौका मिलेगा, वो अपने गलतियों को सुधार कर पीछे आ सकती है। अब ये जो बिल है ये कमेटी में गया है, अभी कमेटी में बहुत मेहनत से ये बिल पेंडिंग है क्योंकि हमारे विरोधी पार्टी के कुछ लोग हैं उनके गले उतर नहीं रहा है, लेकिन वो बिल तो आएगा ही पास होकर, और जैसे ही पार्लियामेंट में आएगा तो उसको अंतिम मंजूरी देकर हम
राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लेकर फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे महिलाओं के जीवन में आएगा। और इन दिनों में आप देखते होंगे जो बच्चियां पढ़ती है, डबल ग्रेजुएट जो होती है, वो 24-25 साल के बाद में शादियाँ करते हैं, लेकिन बीच में जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं वो इस प्रकार के लव जिहाद के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उनको ये बचाने का भी एक जरिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और सुदृढ़, तंदुरुस्ती और खनकर होना बहुत जरूरी है। ये शुभेच्छा दूंगी मैं, हर महिला को अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना चाहिए और कनकर का रहना चाहिए कि खुद बचाव करने के लिए अपना कभी भी कुछ अपने ऊपर आ जाएगा तो उसको बचाव करना बहुत जरूरी है। इसी शुभेच्छा दूंगी, महिला को स्ट्रांग होना चाहिए। जिस तरह से आज 10 साल हो गए पूरे, 2 साल कोरोना की वजह से नहीं करते पिछले, तो अभी हम लोग को दिन को दिन लोगों को बहुत, हम लोग कोई बुलाते नहीं पर्सन है किसी को फोन करके, या सिर्फ बैनर लगते हैं हमारे, बैनर के अपना लोगों को बैनर देख के सब लोग यहाँ आ जाते हैं। जितना लोग आए हुए सिर्फ बैनर देख के आए हुए, और अपना एवर्सन का क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा, उनके लिए कुछ कर नहीं सकती मैं कभी भी। तो मेरे हमारे दिमाग में ऐसा है कि अपना महिला के लिए स्लम में हम लोग रोड बना के देते, पानी की लाइन देते, लादी देते, टॉयलेट बना के देते, लेकिन हमारे जो महिला होते हैं यहाँ, उनके लिए हम लोग कुछ दे नहीं सकते। तो इसी वजह से हमने सोचा कि यहाँ कोई तो एक अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में आई, पहला नगर सेविका थी मैंने तभी, कि महिला के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी से हमने शुरुआत किया। अच्छा प्रतिशत मिलता है, तेजिंदर सिंह मेरा बेटा हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए सब लोग लेके आते। इस साल में जरा मैंने न्यू सोचा था कि एवर्सन का सब बच्चे लोग और महिला लोगों के लिए टाइम देने के लिए, और 3 दिन से पहले ही मेरा पाँव टूटने से वो परफॉर्मेंस में देख नहीं, से थोड़ा प्रोग्राम ज़्यादा हुआ, लेकिन थोड़ा और कमी होते तो सबको चांस मिल जाता था। तो ओके, कोई बात नहीं, मेरे को समझ में आया कि एवर्सन के लोगों के अंदर भी कला बहुत भरी पड़ी है, एक्टर बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, यही बहुत अपने ही अंदर बहुत सारे एक्टर है, कलाकार है, चाइल्ड कलाकार है। आपने देखा होगा एक बच्चे ने बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस किया था कोड़ी डांस, तो मैं अभी मुझे अभी यकीन हो गया कि बहुत ही महिला सक्षम और बच्चे भी बहुत सक्षम हो गए।